परिवार की आपने बात की, हम जब बाकी मंत्रियों से बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि हमारे परिवार का बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि मंत्री जब हो जाते हैं तो परिवार के लिए समय नहीं रहता। आपके परिवार में और कौन कौन जिसने शुरुआती सीढ़ियां चढ़ने में आपकी मदद की? सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड थे, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए, उनकी भी इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति करूं या राजनीति में जाऊं, उन्हें भी पसंद नहीं थी, परंतु क्या है, जब मैं वहां अपने क्षेत्र में एक बोले ना बिजनेस चालू की, पेट्रोल पंप में बैठने लगी, तो लोगों को लगा कि ये हमारे क्षेत्र की नेता बन सकती है, तो और मिल भी गया टिकट, और इसके बाद उन्हें भी लगा कि ये नेतृत्व कर सकती हैं, तो विधायक बनाने की उनकी इच्छा थी और मेरी मेहनत और उनकी सहयोग, और आगे भी जब डबल विधायक बनी तो उनकी इच्छा भी थी कि मंत्री पद तक भी पहुँचे, और मेरे वरिष्ठों के आशीर्वाद से भी यहाँ भी, तो मेरा पूरा सहयोग मेरे पतिदेव के थे और परिवार के भी थे, परिवार के हर मेंबर ने सहयोग किया, और मेरे खासकर वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, जो मेरा मायका है और मायका से रिश्ते निभाते हैं सारे लोग, कोई भाई होते हैं, कोई मामा होते हैं, कोई चाचा होते हैं, तो सभी लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। अनिल जी, आपने खुद कहा कि वहाँ की जनता का सहयोग मिला और यही वजह रही कि आप जो है राजनीति में आई। वहाँ की जनता ने जो भरोसा आप पर जताया है, या यूं मैं कहूँ कि आदिवासी महिलाओं के लिए जो बदलाव एक सपना आपने सोचा था, क्या वो बदलाव आप ला पाई हैं अब तक? बिल्कुल, अभी आप मेरे ही क्षेत्र क्या, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो बदलाव आया है वो सब लोग देख रहे हैं कि आज हमारे क्षेत्र की महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत जागरूक हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, पंचायती राज में, आप आदिवासी क्षेत्रों में देखेंगे तो अधिक से अधिक हमारी महिलाएं सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं, चाहे आज छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की बात करें, हमारे हर गांव की महिलाएं एक्टिव हैं, पुरुष तो बहुत पीछे रह गए हैं, आज हमारी आदिवासी क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे आ गई हैं, जो बिजनेस करना भी जान रही हैं, वो घर को संभालना भी जान रही है, राजनीति करना भी जान रही है। हमने तो ये भी सुना है कि आपने पढ़ाई भी अपनी शादी के बाद पूरी की है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, मैं 11वीं के बाद हमारे पुराने मैट्रिक तो वही था, उसमें मैंने की और शादी कर दी। हमारे आदिवासी परिवारों में तो जल्दी शादी कर दे, 18 साल की हुई और शादी कर देते थे, पर मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं पढ़ूं, तो पर कुछ व्यस्तता कारण पढ़ नहीं पाई। 18 साल बाद शादी की, मैं फिर से पढ़ाई चालू की, 12वीं की एग्ज़ाम दिलाई, फिर BA की, फिर MA की, और अभी भी लगता है कि फिर समय मिले तो फिर मैं कुछ पढ़ लूँ।